पंजाब के 26वें वजीर आला के इंतखाब के लिए हुक्मरान इत्तेहाद को परेशानी, नंबर्स पूरे नहीं हैं, नाराज इरकान को मनाने में मुश्किलात का सामना। मरकज़ की तरह हुकूमत इत्तेहाद ने पंजाब में भी ताखीरी हिकमत अमली बना ली। इखलाक अहमद से बात करते हैं। इखलाक, आज वजीर आजम का भी दौरा लाहौर का इम्कान है और उनकी मुलाकातें किए जाने का भी इम्कान है जो नाराज अराकीन है, क्या हिकमत अमली बनाएगी अब हुकूमत, खबर दीजिएगा। अच्छी, इस हवाले से हुकूमत की सफों में शदीद मायूसी पाई जाती है क्योंकि जो नाराज अरकान है उन्होंने वापस आने से इनकार कर दिया है। ज़राए के मुताबिक मरकज की तरह हुकूमती इत्तेहाद ने पंजाब में भी तखीरी हिकमत अमली जो है वो अख्तियार करने का फैसला किया है। कल के पंजाब असम्बली के इजलास के लिए मुतअद्दिद ऑप्शन पर गौर जो है वो शुरू कर दिया गया है। पंजाब असम्बली में फिर से 3 अप्रैल जैसे हंगामा रही होने का भी कभी इम्कान है, जबकि असम्बली को मुमकिन तौर पर मछली मंडी बनाने का जो है इल्जाम है वो अपोजिशन पर दोबारा लगाया जाएगा और हंगामा आरई की आर में मुतअद्दिद अपोजिशन अरकान को मुतल किए जाने का भी कभी इम्कान है, जबकि मुतल अरकान में सीएम के चुनाव की वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। ज़राए के मुताबिक मीडिया को असम्बली की कवरेज से फिर रोकने के इम्कान मौजूद हैं, जबकि अपोजिशन अरकान पर इवान में मोबाइल फोन जाती अशिया जो है वो ले जाने पर पाबंदी लग सकती है, जबकि कल के इजलास के लिए हवाले से असम्बली सेक्रेटरियट ने खसूसी हदायत जो है वो भी जारी कर दी हैं और इस हवाले से असम्बली सेक्रेटरियट के जो सिक्योरिटी स्टाफ है उस पर खसूसी तौर पर अहम हदायत जारी की गई हैं। जी जी, शुक्रिया अखलाक आपका।